नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। अगर अभी तक आपने अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 29 जून, 7:40 हो रहे हैं और मार्केट क्लोज हो चुका है। और मेरे रिडार पर एक शेयर आया है आज, टाटा कॉफ़ी। देख रहे थे इस टाटा कॉफ़ी के अंदर क्या है, क्यों इसमें भी बाइंग करना है या इसमें अप ट्रेंड और भी बाकी हैं। और फ्रेंड्स, अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए। मैं बस आपको कॉल दे रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से देता हूँ, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देता हूँ। मैं कोई इंटरडे कॉल नहीं देता हूँ। मेरे टारगेट 1 दिन 2 दिन 15-20 दिन महीने भर 1.5 महीने 3 महीने के अंदर हिट हो जाते हैं सारा टारगेट, क्योंकि मैं फुल्ली एनालाइज करता हूँ। और मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि हर चीज़ एक्सप्लेन करने में टाइम बहुत लगेगा, एक एक घंटा भी कम पड़ेगा। बस आप समझिए, आपके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करिए और सही लेवल पर एंट्री मारिए, सही लेवल पर आप एग्जिट मारिए। चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं टाटा कॉफ़ी लिमिटेड की। एक तो देखिए, कॉफ़ी की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कॉफ़ी टी की, और लोग कॉफ़ी की तरफ ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये टाटा, इसके पीछे नाम भी जुड़ा हुआ है, टाटा यानी टाटा के आप ग्रुप का एक शेयर है, तो डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है। इसको ट्रस्ट करके इसमें इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी शेयर काफ़ी अच्छा है और सही वैल्यू पर मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं, आज ये ओपन होता है 85 रुपये पे 10 पैसे और लो मारता 184.55 पैसे पे, और हाई मारता है 189 रुपये का। और इसका 52 हाई है 193.40 रुपये, 52 लो है 77.70 रुपये। देखिए दोस्तों, कल के दिन ये क्लोज़ हुआ था 183 पे, यानी कि आज 1% के ऊपर ये क्लोज़ मारता है, 1% के अप ट्रेंड के साथ ये क्लोज़ मारता है। तो डेफिनेटली अब देखते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग टाटा कॉफ़ी को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसके अंदर कोई इंडिकेट आ रहा है या कोई ऐसा कुछ हो रहा है जिससे इसमें अभी अब ट्रेंड होगी, प्रॉफिट हो सकते हैं। तो ये मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया है। अब डेली चार्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, एक तो ये पैटर्न बन रहा है, यू ट्रेंड वाला पैटर्न बन रहा है। और देखिए इसका फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बन चुका है, ठीक है। दो कैंडल बुल ट्रेंड की तरफ भाग चुके थे, हैमर कैंडल बन चुका है। इसका मतलब होता है अब यानी शेयर के अंदर काफ़ी अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ अच्छा ट्रेड हुआ है, और देखिए एवरेज मूव को भी करिए क्रॉस कर देगा। इसमें अब सही समय इसमें बाय करने का, अगर ये आपको 90 से नीचे मिलता है, इसमें डेफिनेटली बाय, 190 से नीचे मिलता है, डेफिनेटली इसमें बाय करिए और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। ये देखिए डेली चार्ट पे बता रहा है, तो मेरा इसमें पहला जो टारगेट होगा 195 का होगा, अपना 52 हाई को तोड़ेगा इस वीक के अंदर ही, तो 195 का मेरा, 195 का मेरा पहला टारगेट है। और ये दूसरा टारगेट मेरा 200 रुपये का है। इन दो टारगेट के लिए मैं शेयर को दे रहा हूँ, डेफिनेटली इसमें बाय करिए। और ये देखते हैं वीकली चार्ट पे क्या कह रहा है, इसका वीकली चार्ट ओपन हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, वीकली चार्ट पे देखिए कितना अच्छा आप ट्रेंड की तरफ तैयार भागा हुआ है, ये पैटर्न बन चुका है। ये देखिए इसका RSI, MSI, MACD पे भी अच्छा मूव ट्रेंड के अप ट्रेंड की तरफ है, RSI भी इसका अप ट्रेंड की तरफ है। तो डेफिनेटली इसमें बाय करिए, आपको 190 से नीचे नीचे मिलता था, मेरा पहला टारगेट है 195, दूसरा टारगेट है मेरा 200 रुपये का। तो डेफिनेटली इसके अंदर बाय करिए, और लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से करता है, 250 का भी शेयर है आने वाले समय में, आने वाले 3-4 महीने के अंदर 250 से ऊपर ट्रेड करेगा, डेफिनेटली इसमें बाय करिए। अब मैं मनी कंट्रोल की साइड पर जाता हूँ, देखो मनी कंट्रोल की साइड पर हमें 83% हमें इन्वेस्टर बोल रहे हैं, एनालाइजर बोल रहे हैं इसमें बाय करने, 17% इसमें बोल रहे हैं सेल करने के लिए। तो गाइस, इसमें काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड आने को बाकी है, मार्केट अच्छा है, कॉफ़ी की डिमांड दिन पर दिन बढ़ते जा रही है इंडिया के अंदर, और लॉकडाउन ओपन हो रहा है, जैसे जैसे और भी कॉफ़ी की डिमांड, कॉफ़ीटेरिया खुलेंगे, तो टाटा कॉफ़ी अच्छा लीड कर रहा है। और अपना यानी कि इसका PE रेट भी काफ़ी अच्छा है, ये देखिए फिर 25.92% मार्केट कैप है, 3.47 करोड़, देखिए कितना अच्छा मार्केट कैप है। और बाकी आप समझ सकते हैं कि ये टाटा कंपनी का शेयर है, इसमें लॉस तो होगा नहीं, बट आप डेफिनेटली इसमें बाय करिए, पेशेंस के साथ होल्ड करिए। मेरे दो टारगेट हैं वो इसी मंथ में कवर हो जाएंगे, पूरे 10 से 15 दिन के अंदर मेरे दोनों टारगेट कवर हो जाएंगे। पहला टारगेट मेरा 195 रुपये का, दूसरा टारगेट मेरा 200 रुपये का। आई होप ये वीडियो आपके यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आपको न्यू अपडेट कमेंट मिलते रहे डे बाय डे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।